कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें कोई भी कलाकार जो भी हमारे शिल्पायन में सीख रहे हैं वो भाग ले ही रहे हैं, लेते रहेंगे आगे भी, पांच राग तैयार करके आते हैं, उसमें से जो भी लॉटरी में आता है उसका वो गायन करते हैं। 40 मिनट गाना होता है पूरी तरह से इसको विलंबित रूप सहित। तो उनके अभी जो लॉटरी की गई उसमें राग जोग कौंस हर्षित के लिए आया है, श्री हर्षित उपाध्याय तबले पर है, वही उपाध्याय बोले, लेकिन आज थोड़ा पोजिशन हल्का सा चेंज हो गया है, पहले दोनों ओर होते थे अब एक बीच में है एक किनारे। तबले पर श्री कृष्ण उपाध्याय, डॉक्टर शुभंकर डे से अनुरोध है कि वे हर्षित का माल्यार्पण करें। आप अपने चहेते कलाकार कृष्ण कुमार उपाध्याय जी का माल्यार्पण करें। एक माल्यार्पण और बच्चा है जो सागर जी खुद ही करें। हारमोनियम बजाने पहले श्री हर्षित उपाध्याय से अनुमति लेते हैं। Hey.
Come on.
Thank you.
समझना।
केवल वही ताली बजाए जिसको ये आश्चर्य हुआ कि हर्षित भी इतना गा सकता है। शायद ही यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हर्षित ने इतनी अच्छी संगत की है, कभी खराब भी किया है लेकिन अधिकतर अच्छी ही किया है। लेकिन किसी को ये यकीन नहीं रहा होगा कि ये जो कौंस जैसे कठिन राग को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुति कर लेता है, कब हारमोनियम का रियाज करता है। शिल्पायन में कम से कम महीने में 18-20 क्लास लेता है, 18-20-30 दिन पे। इमेजिन कितनी बार वो आता होगा। घर इसका कम से कम कितने किलोमीटर दूर है? 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कब आता है, कब जाता है, वहाँ पे बीएचयू में पढ़ाई ही करता है, बीएमयू का छात्र है, साथ में हारमोनियम लेकर के रोज, कभी सुबह सुबह बनारस, कभी घाट संध्या, कभी रात्रि, कुछ कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। इतना सब करने के बाद वो गाने कभी रियाज कर देता है। यानी इसके जो भगवान ने जो 24 घंटे दिए उसमें 48 घंटे, बाकी सबको 24 मिले, इसको 48 मिला है। पढ़ क्यों कुछ और भी पीछे की भी कथा है, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि बता देगा हर्षित इजाजत दे तो। आप लोग सोचते होंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि गुरुजी ये अचानक से ये पबजी के लिए बहुत डांटने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये बात कम से कम 7-8 साल पुरानी है, 6-7 साल कोविड के पहले की, कोविड से भी 1-2 साल पहले, 2019 या हो सकता है 2018 जब सीखने के लिए आया था। तो कुछ दिन बाद ही हमको धीरे 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 किसी न किसी मार्फत पता चल गया कि ये एडिक्टेड है गेम। टैलेंटेड तो था ये शो से, लेकिन टैलेंट से भी ज्यादा जब इसको कोई बात, उस समय देखिए जो भी विद्यार्थी थे वो बड़े ही अच्छे हुआ करते थे, उन सबके बीच में हर्षित बिल्कुल अच्छा होते हुए भी कमजोर था काफी। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा डांट भी सही पड़ती थी। करते 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 मैं इसके क्यों नहीं रियाज करता उस कारण को पा गया। पता ही आपस में लोग बता देते हैं, एक दूसरे के बारे में बता देता, दूसरे तीसरे के बारे में, इसको डांटो तो कहा भाई क्यों खेलते हो, तो कहेगा हम नहीं वो। तो हमारे अपने गुप्तचर ब्यूरो है, उससे हमको पता चल ही जाता कौन क्या करता। अमूमन सबके घर पे CCTV हमने लगवा दिया है। आजकल थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि दोनों लोग चालाक हो जाते हैं एक दूसरे की शिकायत में, दोनों मिलके खेलते हैं, तो दोनों मिलके बर्बाद हो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही करते हमको पता चल गया कि ये पबजी का एडिक्टेड है और भयंकर खेलता है। तो उसके बाद तो इसकी जो भयंकर डांट पड़ी है, लेकिन हमको उम्मीद था कि ये तो एडिक्शन, मैं तो मेरे डांट से भला क्या दूर होगा। लेकिन हमने फिर इसको अपने दिमाग से ही निकाल दिया कि हर्षित नाम का कोई है हमारे दिमाग, आता होगा सीखने के लिए, आता हमने देखा भी नहीं आता है कि नहीं, गायब हो जाता था बीच में वो टेंथ में जो भी था, मैंने हमारे जेहन से उतर, और जिसको हम जेहन से उतार देते उसके बारे में हम सोचते ही, हमारे पास एक स्विच है, स्विच अगर हम बंद कर दिए तो उसके बारे में हम सोचना इमीडिएट बंद कर देते, फिर वो हमारे जेहन में नहीं आता है। हमारे जो स्विचिंग का जो ऑफ वाला बटन है ये सबके दिमाग में नहीं होता है। हम कभी कभी सोचते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं शायद मैं उनको बहुत मिस कर रहा होता, ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने अगर नाम ले लिया, अभी अचानक से याद आ गए बोलते बोलते, नहीं तो मैं बिल्कुल याद ही नहीं करता मानस पंडित कैसा है, कैसा गाने में था आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से वो खत्म है ही नहीं, खत्म लिस्ट में से गायब। नए लोग आते रहते हैं, हम पुराना, तो हमने इसको दिमाग से निकाल दिया। ये हमको एक हाथ पर बोला था पहले भी कि हम हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, हमको भी कमी टाइम छोटा था, मैंने कहा ठीक है सब सीख लो, हमने इग्नोर किया। एक दिन इसका मैसेज आता है, गुरुजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हमने कहा कि बोलो, तो उसने कहा कि बोलते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, ठंडे हो जा रहे हैं, तुमने बोलो जो तुम्हें बोलना हो बोलो, क्योंकि हम उसको इसके प्रति एकदम खत्म निराश कोई भी भावना ही नहीं थी। तो उसने कहा कि आपको मेरे में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो हम थोड़ा सोच के बोले कि हाँ है, तो मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया। हमको यकीन नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक अभी हम बता रहे, शायद इसको भी नहीं पता, मुझे यकीन नहीं, मैंने कहा ऐसे सभी लोग बोलते रहते होगा।
लेकिन उसने वास्तव में पबजी किया था, और उस वास्तव में पबजी और सारे गेम बंद करने का नतीजा आज और इससे भी ज्यादा कल, नहीं कल का भी हम कम नहीं कर सकते, आज का भी कम नहीं कर सकते, दोनों दिन से आपको दिख रहा है। जो कल गए थे वो भी देख चुके हैं कि किस प्रकार वो अपने से एक सीनियर कलाकार का, सीनियर हारमोनियम वादक के ऊपर वो हावी हो चुका था, और वो दूसरा सीनियर कलाकार भी बहुत परेशान था। उसकी भी परेशानी एक ही है, वही सेम परेशानी जो बहुतों की है उसकी भी है। तो यहाँ पर भी वो उसने दिखाया कि हम उसको हटा सकते हैं, और वही हुआ। उसके पीछे में फिर थोड़ी देर पहले भी एक था, इसको डांटे ज्यादा मिलता बेचारे को क्या, लेकिन उसने हमेशा इस डांटों को पॉजिटिव लिया है, और इस तरह से आज गाना ये गाएगा, ये तो मुझे भी यकीन नहीं था। मुझे वास्तव में बहुत 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 आश्चर्य हुआ जब ये इतना गाने लग गया। तो हमको लगा था कि चलो सभी लोग उसको बहुत प्यार करते, सभी के साथ वो बजाता है आर्मोनियम, सभी के काम आता है, तो जरूर सभी लोग बैठे ऐसे कि अच्छा ही कहेंगे सब, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका गाना सर चल के बोला है। तो आज एक घटना और भी होगी, उसका भी जिक्र करना चाहिए, छोटी सी घटना, तो बहुत छोटी सी। मैंने यहाँ पे हमारे सामने की ओर जो किराएदार होते हैं उसमें एक कमरा पता नहीं कब खाली हुआ, हमको पता भी नहीं चला, लेकिन उसमें हमारे तीन लोग आकर के यहाँ रहने लग गए। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे किराए पर ले लिया, चलो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। अनु निवास, अमन निवास और अमित, अमित इधर ही रहता था, अनु भी इधर रहते, तीनों इधर ही आ गए ठीक सामने। कब खाली हुआ हमको पता चल गया। लवली बोली कि हमको पता होता तो हम भी ले लेते। तो हमने कहा कि हाँ हमको पता तो हमको भी नहीं था, चलो तुमको नहीं पता चला कोई बात नहीं, और कोई खाली होगा तो आ जाना, जो देखा जाएगा। फिर हमने कहा कि देखो आओ मत, तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। तो बोली क्यों? तो हमने कहा कि मधुमक्खी के छत्ते से जितना दूर रह जाए उतना ही अच्छा। छूटते ही विदिन आधे सेकंड के अंदर जवाब उसका आता है, शहद भी तो वही मिलेगा। कमाल का जवाब दिया है। सुबह से दोपहर से मेरा यही जवाब मेरे जहन में घूम रहा है। अगर किसी ने ये पॉजिटिविटी अपने अंदर अपना लिया, शायद हर्षित ने भी उसी को शहद को पहचान लिया था उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से। बहुत सारे टम किसने खाए हैं, उसके बाद असर साफ है, वो मिठास इसके गाने में उतर के आया है, हारमोनियम में तो उतर ही है। ऐसे ही और तरक्की करो, ये हमारा दिल से आशीर्वाद।